इन फुटबॉल खिलाड़ियों को देखकर कहीं आपको ब्राजील की याद तो नहीं आ रही है? कुछ हद तो आप सही हैं, क्योंकि ये जगह तो मिनी ब्राजील है। मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया? यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। नशा जब खेल का हो तो फिर कदम कहां रुकते हैं, फिर मिलते हैं कदम से कदम, तभी तो होती है क्रांति की शुरुआत। रईस अहमद ने प्रशासन की मदद से क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया मानो चारों तरफ खेल का संग्राम चल रहा हो। मैं जब शहडोल आया, शहडोल आने के बाद विचारपुर गांव आया, विचारपुर गांव में आने के बाद देखा मैंने यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ लोग बच्चे से लेके बड़े सभी नशे में लिप्त हैं। अब मैंने जब देखा कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं तो मेरे को एक रास्ता नजर आया कि मेरे को इनके यहाँ से इस बुराई को दूर करने का एक तरीका लगा कि अगर हम इनको खिलाड़ी के रूप में इनको डेवलप करते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनाते हैं, तो वाकई ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे इस गाँव के लिए। हमारे इस गांव से, जो कि हमारे संसाधन नहीं होने के बाद भी उस समय इतने गरीब घर के बच्चे थे, ये न तो इनके पास पहनने कपड़े थे ठीक से, न जूते थे, न फुटबॉल थी, तो हम यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके कुछ अपने पास से कुछ किसी से डोनेशन लेकर के करवाते थे। यहाँ से 40-45 बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर इसी तरह से सहयोग प्राप्त होता रहा तो निश्चित ही इस संभाग से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमको देखने को मिलेंगे। वो गांव जहां युवा कभी नशे की गिरफ्त में थे, आज वहीं युवा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। पर आज इस कल्पना ने हकीकत का रूप ले लिया है। आज केवल विचारपुर गांव से 40 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। फुटबॉल का ये खेल अब केवल विचारपुर में ही नहीं हल्ला बोल रहा है, बल्कि इसके आसपास के तमाम गांवों में, या यूं कहें कि पूरे शहडोल जिले में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। देखते ही देखते शहडोल जिले ने 1200 से अधिक फुटबॉल क्लब का निर्माण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन पिछड़े गांवों को पूरे देश के लिए एक संपन्न फुटबॉल नर्सरी में बदल दिया। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित ये जिला है शहडोल। चारों तरफ तालाब, जंगल और प्राकृतिक संसाधन इस जिले की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। सोहागपुर बाण गंगा में भगवान शिव के विराटेश्वर मंदिर की भव्यता और कलाकृतियां पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। अंतरा में विराजमान कंकाली माँ का मंदिर आस्था का प्रतीक है। 18 भुजी चामुंडा माता का अद्भुत दरबार है। ऐसी मान्यता है कि अद्भुत प्रतिमा कलचुरी काल की है। इतना ही नहीं, ये जिला विराट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ये भी है कि जिले का नाम सुहागपुर गांव के शहडोलवा अहीर के नाम पर रखा गया था। उन्होंने सुहागपुर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर शहडोल के पूर्व गांव की स्थापना की थी। वही सुहागपुर आज बहुत बड़ा कोल फील्ड बन गया है। सुहागपुर कोल फील्ड का योगदान राज्य के राजस्व में अहम भूमिका निभाता है।
खनिज संसाधनों से समृद्ध ये जिला वर्ष 2008 से खुद संभागीय मुख्यालय भी है। शहडोल जिले की आधे से ज्यादा आबादी जनजातीय है। यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं गोंड, कोल, बैगा और पनिका। सन 2003 से पहले इन आदिवासियों का जीवन निम्न स्तर पर था। कच्चे मकान में गुजारा करना पड़ता था। सड़क और बिजली की हालत इतनी खराब थी कि इन लोगों को घंटों अंधेरे में व्यतीत करना पड़ता था। स्कूल और कॉलेज जाने के लिए मीलों की दूरी तय करनी पड़ती थी। दिन रात संघर्ष करना पड़ता था। ये सारी परिस्थितियाँ शहडोल जिले के विकास में बाधा बनकर खड़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से शहडोल जिले में विकास की रफ्तार काफी तेज हुई। वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने शहडोल में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कर इंजीनियरिंग करने वाले इच्छुक युवाओं को एक उपहार प्रदान किया। ये संस्थान आज माइनिंग, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक प्रदान कर युवाओं के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। इसके बाद शिवराज सरकार ने वर्ष 2017 में शहडोल जिले में पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये पूरे प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के चयनोपरांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयित किया गया है। फिर वर्ष 2018 में जनता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए शहडोल में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में सड़कों का ऐसा जाल बुना गया है कि अब घंटों की दूरी मिनटों में तय हो रही है। शिवराज सरकार ने पिछले 15 वर्षों में कुल 445 मार्गों की कुल 1,654.27 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है। आज घर घर बिजली आ रही है। अब महिलाओं को घर बैठे नल से जल मिल रहा है। घर की महिला की तरक्की से पूरे परिवार की तरक्की दिख रही है। इसी भाव को आत्मसार करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत पूरे शहडोल जिले में कुल 12,473 स्वयं सहायता समूह बनवाए हैं, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये पहल रंग ला रही है। मेरा नाम पिंकी कछवाहा है, ग्राम कल्याणपुर की हूँ। पहले मैं आजीविका में नहीं जुड़ी थी तो हमारी स्थिति अच्छी भी नहीं थी और मेरे पति सब्जी का काम करते थे जिससे हमारा परिवार अच्छे से नहीं चल पा रहा था। फिर मुझे पता चला कि आजीविका मिशन भी है, उस पर फिर मैं जुड़ी 2013 पे। तो फिर मैंने समूह में जुड़ के छोटा सा ऋण लिया जिससे मैंने अपने सब्जी का काम को और बढ़ाया। फिर मैं स्वरोजगार ली, स्वरोजगार से हमको 1,00,000 रुपये मिला जिससे मैं अपनी जनरल स्टोर दुकान खोली। आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और हमारा परिवार भी अच्छे से है, मतलब स्थिति ठीक है हमारी और हम लोग ठीक भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित हैं। युवाओं के कौशल विकास के लिए शिवराज सरकार ने युवा इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 9,000 एवं शहडोल जिले में 150 मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कार्य कर रहे हैं। छात्र जिनके कांधों पर टिका है देश का भविष्य, उनके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जहां स्कूलों की संख्या 2003 में 1,873 थी, वहीं आज ये बढ़कर अब 2023 में 2,749 हो गई है। साथ ही छात्रावास की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ये संख्या 2003 में मात्र 68 थी, वहीं आज बढ़कर 2023 में 125 तक पहुंच गई है। सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी बच्चों के विकास के लिए सतत सजग है। शहडोल जिले में आंगनबाड़ी की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। वर्ष 2003 में 1,034 के मुकाबले संख्या आज 1,599 तक पहुंच गई है। आंगनबाड़ी में बच्चों की शिक्षा से लेकर पोषण तक तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है।
सरकार की योजना पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 6 साल से 3 साल के मासूम बच्चों को समुचित आहार प्रदान किया जाता है। घर घर अनाज हो, गरीब परिवार को रोटी के लिए संघर्ष न करना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना अंतर्गत जिले के 21 सेक्टरों में उचित मूल्य पर 342 आश्रित गांवों में राशन वितरित किया जा रहा है। सर के ऊपर छत हो, इस महत्व को समझते हुए शिवराज सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे शहडोल जिले में तकरीबन 1 लाख घर बनाए जा चुके हैं। को राशन सस्ता मिला, पक्के मकान मिले, 24 घंटे बिजली और पानी मिला, इसलिए शिवराज भैया को बार बार धन्यवाद। अब लगता ही नहीं है कि हम गांव में रहते हैं, बिजली पानी पक्के मकान सारी सुविधा है तो हमारे पास। पहले तो पूरे पूरे दिन बिजली गायब रहती थी, अब तो 24 घंटे बिजली रहती है। सर, आपको शिकायत दर्ज करवाया गया था, मेरा कॉन्टैक्ट हो चुका आपको। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जन सेवा अभियान चला गया। इसमें जिले से 90,000 आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। सन 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया, इसके तहत पूरे जिले में वर्तमान में 15 लाख सेवाओं का लाभ समय सीमा में प्रदान किया गया है। गारंटी जब विशेष समुदाय को विशेष अधिकार प्रदान करने की हो तो सरकार पैसा एक्ट के तहत जनजातियों को विशेष अधिकार प्रदान कर इनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक अनूठा कदम उठाया है। आज इस अधिकार का समुचित उपयोग करके गांव के अंदर ही कई समस्याओं का समाधान आपसी सहमति से किया जाने लगा है। इससे लोगों के बीच में आपसी प्रेम और सद्भाव का संचार भी हो रहा है। जब बात प्रेम और सद्भाव की हो तो खिलाड़ियों के लिए सौगात लाजमी है। शिवराज सरकार ने खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात दी है। विचारपुर में ही दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल का निर्माण कर ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। माननीय प्रधानमंत्री की योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में अभी तक 6,25,000 लोगों को पंजीकृत किया गया है। इस योजना से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ने में आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि महिलाएं अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगी। अभी तक इस योजना के अंतर्गत पूरे जिले में 1,87,820 लाडली बहनें प्रतिमाह 1,250 रुपए राशि प्राप्त कर रही हैं। सरकार की मंशा है कि इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाए। लाडली बहन योजना में प्रति माह 1,000 रुपए मिल रहा है। शिवराज भैया ने बोला है कि 3,000 रुपया मिलेगा, अब इससे मेरे घर का खर्चा अच्छे से चल जाएगा। शिवराज भैया को धन्यवाद। नारी उत्थान के लिए हमेशा सजग शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पूरे जिले में अब तक 72,000 लाडली लक्ष्मियों को पंजीकृत कर पाया है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अभी तक मुझे क्लास 6, 11, 12 तक में 18,000 मिल चुके हैं और आगे भी जो मुझे मिलेगा मैं उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सेव करके रखूंगी। ये सारी सौगात देने के लिए मामा जी को दिल से धन्यवाद। आधुनिक खेती के लिए जरूरी है कि किसानों को सही समय पर बिजली और पानी मिले ताकि किसान खेतों की सिंचाई के साथ साथ अच्छी फसल पैदा कर सकें। इसके लिए सरकार नदी घाटी परियोजना पर काम करती रहती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है बाण सागर बांध। गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है।
इस परियोजना से 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश के 2490 वर्ग किलोमीटर भूभाग की सिंचाई होती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की खुशहाली और कल्याण के लिए हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों को समर्पित कर 37 गांवों की 7481 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की समुचित व्यवस्था मुहैया करवाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कुल 1,18,798 किसानों को लाभ पहुंचा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत शहडोल जिले में कुल 1,07,081 किसानों को मदद मिली है। इन योजनाओं के तहत किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का अनुदान मिल रहा है। शिवराज सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इससे किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है और उनका जीवन स्तर भी बेहतर हुआ है। हमारे शिवराज भैया ने खाद और बीज का अच्छी व्यवस्था कर दी है, साथ ही सिंचाई के लिए भरपूर पानी भी मिल रहा है और अच्छी से खेती भी हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले 10 वर्षों में विकास के कई कार्य किए जाएंगे। शहडोल को नगर निगम बनाया जाएगा, साथ ही एक और शासकीय कॉलेज भी खोला जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार शहडोल जिले के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्सेज की शुरुआत करने जा रही है और एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी योजना बना रही है। साथ ही नागरिकों की सुविधा का विशेष ख्याल रखते हुए लालपुर में एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू होने वाली है। लालपुर में एयरपोर्ट बनने से लाखों लोगों के यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जल्द ही जिले में एक पासपोर्ट केंद्र भी खोला जाएगा। यही नहीं, शहडोल में ग्लोबल स्किल पार्क भी बनाया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों का कौशल विकास होगा और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मैं अमझोर क्षेत्र का निवासी हूँ और चाहता हूं कि अमझोर को एक तहसील बनाया जाए, ताकि हमारा जमीन संबंधी सारा काम अमझोर में हो जाए, हमको जैसी नगर ना आना पड़े। मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहां व्यवहारी में ITI कॉलेज खोला जाए, जिसमें बेरोजगार भाई लोग हैं उसमें जो है युवा वर्ग के लोग हैं और प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कहीं नौकरी जाके कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि शहडोल में कृषि महाविद्यालय खुल जाए, तो जिससे हमारे आसपास के ग्रामवासियों को उसका मुहैया लाभ मिलता। वृद्ध लोगों की बैसाखी हैं मोदी और शिवराज सरकार। सामाजिक न्याय विभाग, जिसके द्वारा सरकार दिव्यांग लोगों के लिए दिव्यांग पेंशन, वृद्ध महिला और पुरुषों के लिए वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन के जरिए लगभग 90,000 पेंशन धारियों को आर्थिक सहायता दे रही है। दिव्यांग पेंशन हर महीना मेरे को मासिक 600 रुपए मिलता है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करता हूँ। कल्याणी योजना से मेरे को हर महीने 600 रुपए मिलता है। मुख्यमंत्री जी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी मुझे 600 हर महीना मिलता है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ। हमको सुराज भैया ने नल दिया है, घर दिया है, बिजली दिया है, अब उससे बढ़ के क्या देगा? सुराज भैया जैसे कोई नहीं। सुराज भैया हमारे लिए भगवान जैसे है। मध्य प्रदेश सरकार समाज के हर तबके के लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी लगन से कार्यरत है। शहडोल आने वाले कुछ वर्षों में समृद्धता की एक नई कहानी लिखेगा। राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करेगा और जीत का एक और गोल दागेगा।